चिल्ड्रंस गुड मॉर्निंग। देखिए कल मैंने आपको इंटरजेक्शन पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन एक शब्द होता है और जस्ट ए साउंड, एक आवाज़ होती है दैट एक्सप्रेस, जो कि बताती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भावनाओं को बताती है अबाउट सरप्राइज, जैसे कि कोई आश्चर्यचकित हो गए या आनंद के बारे में, है ना, आप खुश हो उसके बारे में खुशी को व्यक्त करती है, तो और गुस्सा हो तो या दुख हो उन सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए एक शब्द होते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। नॉट इंटरजेक्शन एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस, ये विभिन्न तरीके के फीलिंग और इमोशंस को बताती है, ठीक है, भावनाओं को बताती है। एग्जाम्पल के लिए हुर्रा, वाओ, ब्रावो, आउच, हेलो एंड हश, ठीक। अब देखिए आज कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनसे रिलेटेड, तो इनको अच्छे क्लियरली आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हुर्रा, फिर आई वॉन द रेस। कि अगर कोई जीत जाता है तो वो कैसे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, हुर्रे आई वॉन द रेस, के मैं रेस जीत गया हूँ, तो ये वर्ड आता है, ठीक है। इसे ब्रावो, वेल डन, अगर किसी को शाबाशी देनी है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, रेस में मान लो कोई जीत गया तो उसको कोई टीचर है उसका या मम्मी पापा कोई, तो क्या बोलेंगे, ब्रावो वेल डन, कि तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, ठीक है, शाबाशी देते हैं इस वर्ड से ब्रावो। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, सुंदर लगी, कोई सीन है, कोई सीनरी है, कुछ भी है, कहीं हम घूमने गए, पार्क है या कुछ भी है, तो आप क्या बोलोगे, वाओ, तो अपना आश्चर्य मतलब व्यक्त करोगे कि आपको ये देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ, वाओ, कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कि कितना प्यारा सीन है, ठीक है, तो वाव यूज़ होता है आश्चर्य चकित होने के लिए। आउच, माई लेग इज़ हर्ट, अगर आपको चोट लग गई है तो आपके मुँह से क्या निकलेगा, आउच, यानी कि दुख को व्यक्त करता है कि आपको चोट लग गई है ना, माई लेग इज़ हर्ट, मेरे पैर को मतलब चोट लगी है मेरे पैर में। हश, डोंट मेक ए नॉइज़, चुप, हश का मतलब होता है चुप, कि आप डोंट मेक ए नॉइज़, शोर मत मचाइए, है ना, तो जैसे बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं तो टीचर कहेगी हुश हुश, डोंट मेक ए नॉइज़, चुप रहो, कृपया शांति बनाए रखें। हेलो, हाउ आर यू, अगर किसी से बात करनी है, किसी से कोई क्वेश्चन करना है तो उससे बोलेंगे हेलो, कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क था, आपको करना है और लर्न करना है, ठीक है, थैंक यू।